नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिनिस्ट्री के चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि विधवा योग ये बनता कैसे है। जैसे कि आप जानते हैं विवाह के बाद कितनी खुशियां अपार मिलती है, लेकिन अगर वही खुशियां जीवन को एक जीवन साथी की मृत्यु हो जाए और जीवन कैसे संघर्षमय होता है और हम कह सकते हैं कि जीवन जीना मुश्किल हो जाता है और इसी को विधवा योग कहते हैं। तो अपने हाथों में कैसे देखें, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ पे तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीने के एक एक घटनाक्रम को बारे में बताती है कि हमारी जीवन रेखा। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के गहराइयों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंध के बारे में बताती है। आज हमने बात की है विधवा योग का, काफी दुखमय सब्जेक्ट है ये। हाथों पे अगर ऐसा चिन्ह है तो आप देख सकते हैं पति और पत्नी के बीच में ये चीजें घटती हैं। सबसे पहले विवाह की जो बात करते हैं बुध का क्षेत्र है, इसको हम बुध का पर्वत बोलते हैं। ये बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत। अब इसमें कुछ चिन्ह होते हैं जो जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। सबसे पहला वो घटने का जो चक्र है, यहां पर विवाह रेखा एक मोटी है और ये सुंदर है तो अच्छे विवाह को दर्शाता है। लेकिन अगर ये एक रेखा यही रेखा यहां से इस हमारे बुध क्षेत्र से एक हृदय रेखा को काट दे या हृदय रेखा के साथ जुड़ जाए, ये भी विधवा योग को दर्शाता है। और इसी के साथ दूसरा जो चिन्ह है वो यहां पर स्टार बन जाए, विवाह रेखा के ऊपर स्टार बन जाए या नक्षत्र बन जाए, इसको भी हम विधवा योग का ये निर्माण करती है। और इसी प्रकार से इसी बुध के क्षेत्र पे एक रेखा के साथ एक ऐसा दीप बन जाए, कहीं ना कहीं ये भी विवाह के विधवा योग को दर्शाता है। ये दीप पूरी तरह प्रॉपर बन जाए। और इसी प्रकार से जो एक और योग बनता है विधवा योग का, जैसे ये रेखा, एक रेखा और ये रेखा, और इसी रेखा के ऊपर कुछ रेखाएं काट दे, ये रेखा काट दे, ये भी विधवा योग को ही दर्शाता है। अगर हम विधवा योग की बात करते हैं तो ये चिन्ह आपके जीवन रेखा के ऊपर भी मिलेंगे और ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी इसका प्रभाव दिखता है, क्योंकि इंसान अपने मन से बड़ा दुखी होता है। अगर विचारों की बात करते हैं तो मस्तिष्क रेखा को हम अवश्य देखते हैं, या जीवन में संघर्ष की बात होती है तो जीवन रेखा के ऊपर अवश्य देखते हैं। मैं हर वीडियो में यही बताता हूं, अगर यहां जीवन रेखा के ऊपर देखें तो यहां पे कहीं ना कहीं दीप बन जाना, ये दीप बन जाएगा यहां पे हाथ की रेखाओं में, यहां पे दीप बन जाना, या इसी के ऊपर
स्टार बन जाना इस जीवन के संघर्ष को ही दर्शाता है। इसी प्रकार से या तो जीवन रेखा ये जो लाइन है ये बीच से गैप हो जाए और ये अंदर की तरफ मुड़ जाए। जब किसी की मृत्यु की बात होती है तो ये जीवन रेखा अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, तो निश्चित रूप से उस बंदे का मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन ऐसा चिन्ह दो हाथ के दोनों हाथों में होना चाहिए। यह चिन्ह हाथ के दोनों लेफ्ट और राइट हाथ में होना चाहिए, तभी इस चीज का हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। और यही चिन्ह मस्तिष्क रेखा के ऊपर स्टार बन जाए, दीप बन जाए या गैप हो जाए, तो इस चीज को हम विधवा योग कहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।